अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल कासिम खान स्पीक्स में खुश आमदीद। फाइनली एप्पल ने आईफोन 14 को लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि एप्पल ने कौन कौन से फीचर्स इसमें डाले हैं, एप्पल ने मजीद अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले बात करेंगे आईफोन की। एप्पल ने आईफोन के 4 नए मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है। एप्पल के जो नए मॉडल्स हैं उनमें आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स हैं। एप्पल ने इस बार आईफोन की मिनी सीरीज को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पर प्लस सीरीज को लॉन्च कर दिया है। आईफोन में आईफोन 14 जो लॉन्च किया है एप्पल ने, उसमें आपको मिलेंगे दो मॉडल्स जो कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस होगा। आईफोन 14 का स्क्रीन साइज 6.1 होगा और आईफोन 14 प्लस का स्क्रीन साइज 6.7 होगा। आईफोन 14 और 14 प्लस के डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले को चेंज नहीं किया गया, डिस्प्ले बिल्कुल 13 जैसा ही रखा गया है, नॉच बिल्कुल वैसी की वैसी है। और इसमें मजीद अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले के अंदर जो उन्होंने एक ऑटो फोकस का जो कैमरा दे दिया है, जो सेल्फी कैमरा था वो अब ऑटो फोकस भी करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। मजीद आईफोन 14 की डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन को बिल्कुल सेम रखा गया है, आईफोन 13 की तरह ही है। पीछे से भी सेम है, आगे से भी, फ्रंट से भी सेम है, नॉच भी बिल्कुल सेम है, लेकिन पीछे से जो कैमरा बम्प है उसको थोड़ा सा माइनर सा बड़ा कर दिया है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईफोन 13 की जो बैटरी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल सेम ही आईफोन 14 की बैटरी परफॉर्मेंस के साथ रखी गई है। और अगर मैं मजीद इसकी बैटरी की बात करूँ तो 1 घंटा ये ज़्यादा आईफोन 13 से चलने वाला है। मजीद मुझे आईफोन 14 में कोई नया फीचर नज़र नहीं आया, सेम ही फीचर्स हैं जो कि आईफोन 13 में थे। नॉच भी तकरीबन सेम है, पीछे से भी तकरीबन सेम है, सिर्फ एक नया मॉडल इंक्लूड कर दिया है जो कि आईफोन 14 प्लस कहलाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आईफोन 14 के टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स के हवाले से। जी हां, बिल्कुल, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में। आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स को बिल्कुल सेम रखा गया है, डिजाइन चेंज नहीं किया गया, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के जैसा ही है। पीछे से कैमरा बम भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़े से माइनर से बड़े कर दिए हैं। आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के अंदर एक छोटा सा नॉच देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे कैप्सूल नॉच, ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन एप्पल इसको बोलता है डायनेमिक आइलैंड। एप्पल इसको डायनेमिक आइलैंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो छोटी सी नॉच है जो कि कैप्सूल नॉच है, ये बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें आप अपने फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एप्पल का ये अब तक का सबसे बड़ा फीचर है, सबसे अच्छा फीचर है। ये आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो नॉच है इससे भी काम लिया जा सकता है। अब आपको एप्पल की जो नॉच है उसके अंदर ही सारी चीजें मिलेंगी। अब आपको कोई कॉल आ रही है वो नॉच थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नॉच थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। इसी तरह से मजीद अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो एक छोटा सा और मजीद आइकन हो जाएगा, साथ में मिल जाएगा। अगर आप फोन अनलॉक कर रहे हैं तो एक बड़ा सा आइकन बन जाएगा जो कि कैप्सूल नॉच के अंदर से ही निकलेगा। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा फीचर है आईफोन के हवाले से। और अगर मजीद मैं आगे बात करूं तो आईफोन ने अपने जो कैमरा को सेम रखा है, सिर्फ एक नया फीचर दिया है वो ये कि आईफोन के जो कैमरा है उसको 48 मेगापिक्सल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, पहले आईफोन के जो 3 कैमरा थे जो प्रो मॉडल्स में आते थे वो 12 मेगापिक्सल के आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो मेन कैमरा है उसको 48 मेगापिक्सल कर दिया है, जबकि बाकी टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड है वो 12 मेगापिक्सल ही रहेंगे। आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की बैटरी के हवाले से बात करूं तो बैटरी को सेम रखा गया है। आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की जैसी ही बैटरी है, सिर्फ 1 घंटा उससे ज़्यादा चलेगी। आईफोन 14 प्रो सीरीज में मजीद एक नया फीचर इंक्लूड कर दिया है, वो ये कि सैटेलाइट का एक नया फीचर दे दिया है। अगर आप कहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे और आप सैटेलाइट के जरिए अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं और रबते में रह सकते हैं। आईफोन 14 सीरीज के हवाले से मैं आपको मजीद ये बताऊँ कि आईफोन 14 में आपको फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस बार आपको आईफोन 14 सीरीज में सिर्फ ई सिम ही देखने को मिलेगी, फिजिकल सिम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए मॉडल्स में है, बाकी तमाम कंट्रीज में आपको फिजिकल सिम और साथ ही साथ ई सिम भी देखने को मिलेगी, लेकिन यूएस मॉडल्स में आपको सिर्फ ई सिम देखने को मिलेगी। फिजिकल सिम आईफोन ने रिमूव कर दी है अपने यूएसए मॉडल्स में। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि एप्पल कौन से मॉडल्स को लॉन्च करने वाला है और इसमें कौन से फीचर्स वो इंक्लूड करेगा। वो सारी बातें मेरी सच साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि इस बार आईफोन में नॉच कैप्सूल नॉच होने वाली है, लेकिन यह नहीं पता था कि कैप्सूल नॉच वर्किंग भी होगी। यह एक बहुत अच्छा फीचर एप्पल ने डाला है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आने वाला है। जी हां, बिल्कुल, वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताऊंगा एप्पल ने मजीद अपने कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो एप्पल ने अपनी वॉच सीरीज 8 को लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ एयरपॉड प्रो के नई जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। एप्पल वॉच सीरीज 8 की बात करूं तो इस बार एप्पल वॉच सीरीज 8 में आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, सीरीज 8
सिंपल और सीरीज 8 अल्ट्रा। सीरीज 8 अल्ट्रा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, जबकि सीरीज 8 सिंपल बहुत ही सिंपल होने वाला है, जैसे कि वो पहले सीरीज 7 की तरह था। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं सीरीज 7 है, और जो सीरीज 8 है वो भी सीरीज 7 की ही तरह रहने वाली है। उसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं किया गया, सिर्फ बैटरी बैकअप को थोड़ा सा माइनर सा बड़ा कर दिया है। मेरे हिसाब से एप्पल ने आईफोन सीरीज 8 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिया, बिल्कुल सीरीज 7 की जैसे ही है, सीरीज 6 की जैसे ही है। इस बार उन्होंने एक नई सीरीज जो निकाली है सीरीज 8 अल्ट्रा, वो एक नई सीरीज है, लेकिन उसके पैसे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल $1,799 की है, तकरीबन पाकिस्तानी पैसों से हिसाब से वो तकरीबन आपको पड़ जाएगी 1.5 लाख से ऊपर की सिंपल सीरीज 8 अल्ट्रा। अब अगर एयरपॉड की बात की जाए तो एप्पल ने एयरपॉड प्रो के नए मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसमें आपको मिलेगी H2 की एक नई चिप, और साथ ही साथ एक एम्पलीफायर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, और एक बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है एयरपॉड प्रो की नई जनरेशन के अंदर। एयरपॉड प्रो के प्राइस की बात करूँ तो एयरपॉड प्रो के प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाले हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है प्राइस ऊपर और नीचे आते रहते हैं। और अगर एप्पल की वेबसाइट की बात करूँ तो ये पाकिस्तान में तकरीबन आपको मिलेंगे 45,000 से 50,000 के बीच में। वीडियो के आखिर में अब थोड़ी सी बात आईफोन के प्राइस के हवाले से बात कर लेते हैं। आईफोन 14 और 14 प्रो के प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाले हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन अगर एप्पल की वेबसाइट की बात की जाए तो एप्पल की वेबसाइट में आपको वही प्राइस मिलेंगे जो आपको आईफोन 13 लेने पर मिलते थे। $999 का आपको पड़ेगा आईफोन 14 प्रो, और $1,100 का मिलेगा आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स, और $799 का आपको मिलेगा आईफोन 14 सिंपल, और आईफोन 14 प्लस आपको मिलेगा $899 का। पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर तक आपको आईफोन 14 प्रो मिलेगा, और तकरीबन 3 लाख से ऊपर तक आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा, जबकि आईफोन 14 और 14 प्लस आपको तकरीबन 2 लाख से 3 लाख के बीच में मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं कॉमेंट्स और लाइक्स के ज़रिए मुझे बताया करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।